To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा। असल में डेटा बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं, इनकी डिफरेंट हेड्स होते हैं और हर हेड के हिसाब से देखें तो डेटा एक डिफरेंट टाइप्स में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा को कलेक्शन के एस्पेक्ट से देखें तो कलेक्शन के एस्पेक्ट से आपने नाम सुना होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, यानी हमने हेड रखा कलेक्शन को, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। इस तरीके से अगर हम डेटा की नेचर की बात रखें, यानी हेड रखें हम नेचर को, तो उसमें आएगा क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। तो जिस हेड के अकॉर्डिंग देखेंगे आपको डेटा की डिफरेंट टाइप्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आज जो हम जिस हेड को कंसिडर कर रहे हैं डेटा की टाइप के लिए, वो है टाइम एंड एंटिटी। टाइम एंड एंटिटी आज हम देखेंगे डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एंटिटी। अच्छा अब इसमें देखें, फॉर एग्जांपल उसको समझते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं एक स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट ए ले लेते हैं। अच्छा अब ए के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए की जीपीए, ए की कंजम्पशन, ए की पॉकेट मनी। अच्छा और ये सारा डेटा जो हम ले रहे हैं, क्योंकि हम जीपीए का भी डेटा ले रहे हैं, तो उसका मतलब हम सेमेस्टर वाइज बात कर रहे होंगे। तो हमने कह दिया सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। तो एक बात याद रखें, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ किसके बारे में इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, हम मिस्टर ए के बारे में, स्टूडेंट ए के बारे में। तो याद रखिएगा इस वक्त जो स्टूडेंट ए है ना, ये कहलाएगा आपके पास एंटिटी। एंटिटी स्टूडेंट ए क्या कहलाएगा? एंटिटी कहलाएगा। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है वो एंटिटी है। अब हो सकता है वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है वो कोई कंट्री हो सकता है वो कोई सिटी हो सकता है वो कोई फर्म हो। फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे होंगे, कॉस्ट देख रहे होंगे, कंट्री का जीडीपी देख रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट देख रहे होंगे। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपके पास? एंटिटी कहलाएगा। अच्छा और ये जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ये जो क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जीपीए की क्या वैल्यू रही है, कंजम्पशन की क्या वैल्यू रही है, पॉकेट मनी क्या रही है। अच्छा किस रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं? सेमेस्टर वाइज देख रहे हैं। सेमेस्टर वन में इतनी जीपीए, टू में इतनी जीपीए। अभी हमने सिर्फ एक बात कंफर्म की है क्या, कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? एंटिटी। या इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कोई फर्म भी हो सकती है, ये कोई इंडस्ट्री भी हो सकता है, ये कोई कंट्री भी हो सकता है। अच्छा ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। अच्छा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का हमने किसके रिस्पेक्ट से गैदर की है? विद रिस्पेक्ट टू सेमेस्टर वन, टू, थ्री, फोर। अच्छा सेमेस्टर का गुजरना, वन से टू पे आना, टू से थ्री पे आना, थ्री से फोर पे आना, सेमेस्टर का गुजरना किस चीज़ के गुजरने को बता रहा है? ये बता रहा है टाइम को, कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब और यहाँ पर जीपीए की वैल्यूज़ हैं, यहाँ कंजम्पशन की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पॉकेट मनी की वैल्यूज़ हैं। तो हुआ क्या कि ये एक ऐसा डेटा हुआ जिसमें एंटिटी कितनी है? वन है। एंटिटी कितनी है? वन, एक एंटिटी है। जबकि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम एक से ज़्यादा है। आई रिपीट, ये जो डेटा की हमने टाइप देखी जिसमें एंटिटी कितनी है? एक है और टाइम एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री की बात करें, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जीडीपी का डेटा चाहिए और इन्वेस्टमेंट का डेटा चाहिए। पाकिस्तान की जीडीपी का डेटा, इन्वेस्टमेंट का डेटा पिछले 10 साल का, 2011, 12 अप टू 20। तो एंटिटी कितनी है? एंटिटी एक है और टाइम एक से ज़्यादा है। इसी तरह कोई फॉर्म हो सकती है, कोई सिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा ऐसा डेटा जिसमें हम टाइम, एंटिटी एक हो और टाइम एक से ज़्यादा हो, ऐसा डेटा आपके पास कहलाएगा एंटिटी एक हो और टाइम एक से ज़्यादा हो, तो ऐसा डेटा आपके पास कहलाएगा टाइम सीरीज डेटा।
आई रिपीट, जिसमें एंटिटी कितनी हो, वन हो, सिंगल एंटिटी हो, अब वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो कंट्री हो सकता है, सिंगल एंटिटी हो, लेकिन जो डेटा गैदर कर रहे हैं उसमें टाइम एक से ज्यादा हो, यानी टाइम वेरी कर रहा हो, टाइम एक से ज्यादा हो, तो ऐसा डेटा आपके पास क्या कहलाएगा, टाइम सीरीज डेटा। अच्छा, अब इस जीपीए वाली एग्जाम्पल पे स्टक करते हैं और थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। पहले तो हमने क्या काम किया था, स्टूडेंट ए को फिक्स कर दिया था और पिछले चार सेमेस्टर में इसकी जीपीए देख रहे थे, तो हमारे पास एंटिटी एक हो गई और टाइम एक से ज्यादा हो गया, तो हमने ऐसे डेटा को क्या कह दिया, टाइम सीरीज डेटा। बिल्कुल इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि अगर हम आप उस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन सब की जीपीए लास्ट सेमेस्टर में, क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन सब की जीपीए लास्ट सेमेस्टर में, तो जैसे ही आपने कहा लास्ट सेमेस्टर सबके लिए, इसका मतलब है टाइम फिक्स कर दिया आपने, टाइम क्या कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया, क्योंकि आपने कहा लास्ट सेमेस्टर में, और किसकी जीपीए, पूरी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की जीपीए, यानी उस वक्त इस केस में, किस केस में, जब लास्ट सेमेस्टर की पूरी क्लास की जीपीए हम देख रहे हैं, तो एंटिटी बहुत सारी है, टाइम एक है, एंटिटी बहुत सारी हैं, पूरी सारे स्टूडेंट्स एंटिटीज हैं, जबकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, वहां एक ही टाइम है, टाइम हमने फिक्स कर दिया, कौन सा, लास्ट सेमेस्टर। तो याद रखिएगा कि जब एक एंटिटी हो, टाइम एक से ज्यादा हो, तो कहलाएगा टाइम सीरीज डेटा, और जब टाइम एक हो और एंटिटी एक से ज्यादा हो, यह कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। अगर इस हवाले से एग्जाम्पल देखना चाहें तो बहुत आसान है, हम बोले हैं कि लास्ट 2019 की 50 कंट्रीज की जीडीपी हम ले रहे हैं, तो टाइम फिक्स कर दिया और जितने कंट्रीज हैं वो सारी एंटिटीज हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो आई रिपीट, टाइम सीरीज डेटा में क्या हुआ कि एंटिटी एक है, टाइम एक से ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे उसको, टाइम सीरीज डेटा। और अगर टाइम एक हो और एंटिटी एक से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, इसी जीपीए वाली एग्जांपल को आगे लेके जाएंगे, अगर हम ये देखना चाहें कि आप सब की, यानी पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की पिछले चार सेमेस्टर की जीपीए, जितने स्टूडेंट हैं उन सब की पिछले चार सेमेस्टर की जीपीए, तो ऐसी सिचुएशन में टाइम भी एक से ज़्यादा है और एंटिटी भी एक से ज़्यादा है, यानी पिछले चार सेमेस्टर का मतलब है टाइम भी वेरी कर रहा है और तमाम स्टूडेंट का मतलब है एंटिटीज भी वेरी कर रही हैं, तो इसका मतलब टाइम भी एक से ज्यादा है और एंटिटीज भी एक से ज्यादा है, तो ऐसा डेटा आपके पास कहलाता है पूल डेटा। अच्छा, पूल डेटा में, और मैं इसको स्लैश कर देता हूं पैनल, थोड़ा सा डिफरेंस है। पूल डेटा की ये जो डेफिनेशन है कि एंटिटीज भी एक से ज़्यादा हैं और टाइम भी एक से ज़्यादा है, ये आपके पास पूल डेटा, बिल्कुल ठीक है। अब पैनल और पूल में डिफरेंस क्या है, अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है पूल में और पैनल में, उसको देखें ज़रा गौर से। फॉर एग्जांपल, मैं तीन इन्वेस्टर का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर सी का, ए बी एंड सी, ये सारे क्या होने, इन्वेस्टर्स हैं, मैं इनका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तीन महीने। अब मैंने ए से डेटा लिया, बी से डेटा लिया, सी से डेटा लिया, जनवरी में लिया, ठीक है, तीन इन्वेस्टर का डेटा ले लिया। अब फरवरी में आए तो फिर किसी तीन इन्वेस्टर से डेटा ले लिया, मार्च में आए फिर किसी और तीन इन्वेस्टर से डेटा ले लिया, तो अब मेरे पास क्या हो रहा है कि नाइन इन्वेस्टर्स हो गए, तीन महीने में हमारे पास नाइन इन्वेस्टर्स हो गए, यानी इन्वेस्टर एक से ज्यादा हैं और टाइम भी एक से ज्यादा है, यानी इन्वेस्टर भी ज्यादा हैं एक से और टाइम भी मल्टीपल है, तो ऐसा डेटा आपके पास क्या कहलाता है, पूल्ड डेटा। आई रिपीट, इन्वेस्टर का ज्यादा होने का मतलब है एंटिटीज का एक से ज्यादा होना और तीन महीने के डेटा का मतलब है टाइम का भी एक से ज्यादा होना, तो जब एंटिटी भी एक से ज्यादा हो और टाइम भी एक से ज्यादा हो, तो आपके वो फिक्स ना हो, वेरी कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, क्या, पूल्ड डेटा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये पूल डेटा है कि एंटिटीज भी एक से ज्यादा हो और टाइम भी एक से ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, पूल डेटा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर जनवरी में ए बी सी से इंटरव्यू लिया, यानी इन्वेस्टर का डेटा कलेक्ट किया, इन्हीं तीनों एंटिटीज से फेब में भी लिया, इन्हीं तीनों एंटिटीज से मार्च में भी लिया, तो इस केस में हो क्या रहा है कि एंटिटी भी वेरी कर रही है,
टाइम भी वेरी कर रहा है जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन यहाँ पर केस कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पर एंटिटी वेरी तो कर रही है लेकिन हर टाइम पर रिपीट हो रही है। जनवरी में भी यही एंटिटीज़ हैं, फरवरी में भी यही एंटिटीज़ हैं और मार्च में भी यही एंटिटीज़ हैं। यानी एंटिटी वेरी कर रही हैं, टाइम वेरी कर रहा है लेकिन हर टाइम पर एंटिटी रिपीट हो रही है। तो अगर एंटिटी का वेरी करना और टाइम का वेरी करना ऐसा है कि एंटिटीज रिपीट हो रही हैं, तो ऐसा डेटा आपके पास क्या कहलाएगा? पैनल डेटा। आई रिपीट कि एंटिटी भी वेरी करे एक से ज़्यादा हो, टाइम भी एक से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? पूल डेटा। लेकिन अगर ये पूल ऐसा हो जिसमें एंटिटीज सेम एंटिटीज रिपीट हो रही हो, जिनका पहली दफ़ा डेटा लिया उन्हीं का दूसरी दफ़ा डेटा लिया, उन्हीं का तीसरी दफ़ा डेटा लिया, तो ऐसा डेटा आपके पास क्या कहलाएगा? पैनल डेटा। इसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक फाइनेंस की स्पेशली बात करते हैं, तो जब हम फर्म्स का डेटा लेते हैं, पिछले 5 साल का फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तो पिछले 5 सालों में 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ए का डेटा, यानी पाँचों साल में वो रिपीट हो रहा है ए, इन्हीं पाँचों साल में बी भी रिपीट हो रहा है, इन्हीं पाँचों साल में सी भी रिपीट हो रहा है। तो इस तरह अगर फॉर एग्जांपल 4 कंट्रीज़ का डेटा ले लें, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, तो अगर हम इन 4 कंट्रीज़ का डेटा लें पिछले 10 साल का, तो हर साल पाकिस्तान की वैल्यू है, हर साल दूसरे कंट्री की वैल्यू है, हर साल तीसरे कंट्री की वैल्यू है। तो हो क्या रहा है कि एंटिटी भी एक से ज़्यादा है, टाइम भी एक से ज़्यादा है, लेकिन हर टाइम पर एंटिटीज़ क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो अगर एंटिटीज़ रिपीट हो रही हो, तो ऐसा डेटा आपके पास क्या कहलाएगा? पैनल डेटा। आई रिपीट, अगर एंटिटी एक हो और टाइम वेरी करे, क्या कहलाएगा? टाइम सीरीज डेटा। अगर टाइम फिक्स हो और एंटिटी वेरी करे, क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल डेटा। अगर टाइम भी एक से ज़्यादा हो और एंटिटीज भी एक से ज़्यादा हो, तो ऐसा डेटा क्या कहलाएगा? पूल डेटा। लेकिन अगर इस केस में केस ऐसा है कि टाइम भी एक से ज़्यादा है, एंटिटीज भी एक से ज़्यादा हैं, लेकिन वही एंटिटीज रिपीट हो रही हैं हर दफ़ा, हर टाइम पर वही एंटिटीज रिपीट हो रही हैं, तो ऐसा डेटा आपके पास क्या कहलाएगा? पैनल डेटा। तो ये तो था आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल एंड पूल और पैनल डेटा। अब हम जरा देख लेते हैं कि अगर पैनल डेटा हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको डेटा की फॉर्म में गैदर कैसे करेंगे, एक्सेल शीट हम कैसे डेवलप करेंगे उसको। चलिए बच्चों, अब देखें जरा कि जो पूल डेटा या पैनल डेटा आपके पास हो, तो उसको डेटा शीट में कैसे गैदर करना है। देखें, फॉर एग्जांपल एंटिटी, अभी एंटिटी फर्म भी हो सकती है या एंटिटी कुछ भी हो सकती है, हम यहाँ पर कंट्री का डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एंटिटी हमने कहा पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टर्की का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाइना का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइम हमने क्या लिया है? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 2015, 16, 17, 18, 4 साल का डेटा। अब ये GDP का डेटा, ये इसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा। इस तरीके से टर्की में भी यही टाइम रिपीट हुआ, इसका अपना कोई डेटा होगा। इसी तरह चाइना का भी यही टाइम हमने रिपीट किया, इसका भी यही डेटा होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा। अब देखें, एंटिटी भी एक से ज़्यादा है, टाइम भी एक से ज़्यादा है, लेकिन हर रिपीटेड टाइम में हर टाइम पे एंटिटी रिपीट हो रही है। कैसे? 2015 पाकिस्तान, 16 पाकिस्तान, 17 पाकिस्तान, 18 पाकिस्तान। फिर इसी तरीके से 15 में भी टर्की, 16 में भी टर्की, 17 में भी टर्की, 18 में भी टर्की। तो हो क्या रहा है, इसी तरह से मेरे फॉर चाइना, तो हो क्या रहा है कि एंटिटी भी वेरी कर रही है, टाइम भी वेरी कर रहा है, लेकिन हर गुजरते टाइम के साथ एंटिटी रिपीट हो रही है। इन चारों सालों में इसी का डेटा है, इन्हीं चारों सालों में इसी का डेटा है। तो अगर एंटिटी वेरी करे और टाइम भी वेरी करे, लेकिन एंटिटी हर टाइम पर रिपीट हो, तो ऐसा डेटा आपके पास क्या कहलाता है? पैनल डेटा। ये डिफरेंस ज़रा कम लोगों को, मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पूल और पैनल का बेसिक डिफरेंस का अंदाज़ा नहीं हो पाता। जनरली ये कुछ लोग सिनोनिम भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पूल कह दें या पैनल कह लें, लेकिन टेक्निकली आप कह सकते हैं अगर, लेकिन टेक्निकली ये सेम नहीं है। पैनल उस वक्त होगा जब एंटिटी हर टाइम पर रिपीट हो रही होगी, और पूल डेटा क्या होगा कि टाइम भी वेरी करे, एंटिटी भी वेरी करे, लेकिन एंटिटीज 100% रिपीट ना हो रही हो। तो मेरे ख्याल में ये टाइप्स ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंटिटी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।